तो मैं अभी आ रहा हूँ यार लेमार के यहाँ से। मस्त पार्टी थी भाई लेमार के घर पे। मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि लेमार जैसा बंदा भी पार्टी दे सकता है। बहुत ही कंजूस है भाई, एक नंबर का कंजूस बंदा है वो। एंड कभी आज तक उसने कोई ढंग की पार्टी नहीं दी है, बट आज पहली बार भाई उसने एकदम खतरनाक वाली बढ़िया वाली पार्टी दी थी भाई अपने घर पे। सारे बंदे आए थे अपने, माइकल आया था भाई, अपना ट्रेवर आया था, लेस्टर आया था, यहाँ तक कि भाई बेनी एंड साइमन भी आए थे लेमार के घर पे। तो काफी मस्त पार्टी थी एंड सब कुछ था पार्टी में, मजा आ गया। फिलहाल आ चुका हूँ मैं घर पे वापस एंड पार्टी बहुत ही जबरदस्त थी, सुबह सुबह ही थी पार्टी भाई। खैर जो भी हो, मैं चला अभी फिलहाल सोने के लिए। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट वैसे है नहीं, अभी तो गुड मॉर्निंग हुई है, सुबह ही पार्टी थी यार। एंड कितने बज रहे हैं अभी? ले भाई 11 बजे मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ, कोई बात होती है भाई? जस्ट अभी पार्टी करके आया हूँ मैं, खाना वाना खा के आया हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ी जॉगिंग वगैरह करनी चाहिए ताकि खाना पचे भाई। दौड़ो बिंदास दौड़ते रहो, तभी तो एक्सरसाइज करूंगा और जॉगिंग करूंगा मैं। ये क्या है? वेट 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 वेट, ओहो एक और नया दरवाजा है क्या ये? अब यहाँ ये किसने लगा दिया? दरवाजा ही लग रहा है एंड ऑब्वियसली ओपन तो आसानी से ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, वो तो सबको पता ही है भाई हमें। एंड एक बार ज़रा गन फिर से ट्राई कर लूँ मैं, पता है मेरे को गन वन से भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट स्टिल एक बार ट्राई करने में क्या दिक्कत है। एंड ऑब्वियसली तुम लोगों के सामने ही मैं गन का यूज़ कर रहा हूँ, एंड तुम लोगों के सामने ही मैं शॉर्ट गन का यूज़ कर रहा हूँ, बट यहाँ पर इस दरवाजे को लिटरली में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना ही टूट रहा है ना ही खुल रहा है। ठीक है भाई, समझ गए तुम लोग। अब इसको ओपन करने का तरीका भी तुम लोगों को पता ही होगा, इसको ओपन करने का सिंपल सा तरीका है टास्क कंप्लीट करना। यस, तुम लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले एक बार दरवाज़ा भाई इधर कहीं तो लगा हुआ था, एक बार डोर यहाँ कहीं लगा हुआ था, तो उन वाले डोर्स को भी ओपन करने के लिए मुझे टास्क कंप्लीट करने पड़े थे। बाकी यहाँ पर ये डोर है, इसका मतलब इसको भी ओपन करने के लिए टास्क तो कंप्लीट करने पड़ेंगे, ये तो फिक्स है। लेकिन टास्क वाला पेपर कहाँ है? पड़ा होगा इधर ही कहीं, ढूंढते हैं ज़रा। इधर कहीं तो पड़ा होना चाहिए पेपर, यहाँ कहीं इधर कोने में पड़ा है क्या? नहीं, इधर कहीं पड़ा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इधर नहीं यार, छत पे तो नहीं होगा पेपर, हर बार मुझे इधर ही कहीं मिल जाता है। रुको फिर से नीचे चलते हैं, इधर कहीं है क्या वो पेपर जिसके अंदर टास्क लिखे हैं उस डोर को ओपन करने के लिए? कहाँ है वो पेपर जिसके अंदर लिखे हैं टास्क लिखे हैं? वो पेपर कहाँ है? इधर है क्या? नहीं मिल रहा भाई। बेला भाई, दरवाज़ा मिल गया लेकिन पेपर नहीं मिल रहा जिसके अंदर टास्क लिखे हैं। मे बी स्विमिंग पूल के अंदर वो पेपर उड़ के चला गया हो, लेकिन पेपर उड़ के अगर स्विमिंग पूल में गया भी तो डूबेगा थोड़ा ना, वो तो पानी के ऊपर तैरते रहना चाहिए। पानी के ऊपर भी कोई पेपर नहीं तैर रहा है, शायद उड़ के इधर चला गया हो। एक सेकेंड, इधर ढूंढते हैं कोई पेपर है क्या, इधर कोई पेपर है क्या? भाई कहीं कोई पेपर ही नहीं है यार, तो क्या टास्क कंप्लीट करूं मैं इस डोर को ओपन करने के लिए? अपने आप ओपन भी तो नहीं हो रहा ये। हेलो समवन प्लीज एक्सप्लेन। अब तो लगता है एक बार छत पे ही देखना पड़ेगा। अरे यार चलो भाई फटाफट से छत की तरफ निकलते हैं। लो मिल गया पेपर, मिल गया भाई, ये छाते के ऊपर है पेपर। पर कोई बात होती है, क्या अजीबोगरीब सीन है भाई। एक तो ये दरवाज़ा पता नहीं अजीबोगरीब सी जगह पे लगा हुआ है यहाँ पर। अब इधर पता नहीं क्या सीक्रेट रूम है, क्या सीक्रेट बंकर है, बट जो भी हो वो तो ओपन कर लेंगे। एंड पेपर देखो कहाँ था इस बार, छाते के ऊपर। मे भी हो सकता है इधर कहीं पड़ा हो, हवा से उड़ के ये छाते के ऊपर पहुँच गया हो। खैर जो भी हो, पेपर तो मिल गया, अब फटाफट से टास्क रीड करते हैं एंड देखते हैं गाइज इस बार क्या इंटरेस्टिंग टास्क है। भाई तुम लोग कुछ भी कहो, ये जब टास्क वास मिलते हैं एपिक, जब भी मैंने ये वाला दरवाज़ा ओपन किया था जो यहाँ पे था, या फिर जो लास्ट टाइम यहाँ जो डोर था वो ओपन किया था मैंने, उनको ओपन करने में जो मज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा आता है सीरियसली में। स्पेशली जब वो अतरंगी टास्क कंप्लीट करो, उसका भी एक अलग ही अपना फ़न है। खैर देखते हैं इसमें क्या है, लेट्स गो लेट्स रीड द पेपर। तो एज ऑलवेज पेपर के टॉप पे तुम लोग देख सकते हो लिखा हुआ है टास्क टू ओपन द डोर। एंड यहाँ पर सबसे पहला टास्क देखो क्या लिखा हुआ है, पुल द बिगेस्ट प्लेन विद द स्मॉलेस्ट कार। क्या अबे चलो भाई पेपर को यहीं छोड़ो, पेपर को क्यों छोड़ो, पेपर को जेब में रख लो। पेपर को जेब में रख लेते हैं गाइस, ताकि जहाँ भी कंप्लीट करूँ मैं टास्क, नेक्स्ट टास्क में वहीं खड़े खड़े ही पढ़ लूँ। पेपर जेब में रख लेते हैं, पेपर को जेब में रख लिया, क्योंकि बार बार मेरे को मालूम मैंने फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया तो अब दूसरा टास्क कंप्लीट करने के लिए वापस यहाँ आना पड़ता, वापस पढ़ना पड़ता। अब मैंने जेब में रख लिया, कहीं भी खड़े खड़े मैं पढ़ लूँगा। बाकी सबसे पहला टास्क था पुल द बिगेस्ट एयरप्लेन विद द स्मॉलेस्ट कार। ठीक है टास्क तो, लेकिन सबसे बड़ा एयरप्लेन कहाँ मिलेगा?
सबसे बड़ा एयरप्लेन ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे मिलेगा, बट सबसे छोटी कार कहाँ मिलेगी? ये कार नहीं चलेगी जो मेरे पास इस वक्त है, बम्बलबी टाइप लुकिंग कार। मुझे नहीं लगता इस गाड़ी से बात बनने वाली है। डॉज है ना ये? कौन सी गाड़ी है? जो भी हो, अभी यहाँ से मैं काम करता हूँ, लॉस सैंटोस में निकलता हूँ सबसे छोटी गाड़ी ढूंढने के लिए। मेरे हिसाब से तो यार सबसे छोटी गाड़ी वो होगी, वो जो नैनो सी है भाई, वो जो नैनो नहीं घूमती लॉस सैंटोस में, टाटा नैनो, वैसी जो दिखती है गाड़ी वही होगी मुझे लग रहा है लॉस सैंटोस में सबसे छोटी कार। पेपर के अंदर देखो साफ साफ लिखा है पुल द बिगेस्ट एयरोप्लेन। सबसे बड़ा एयरोप्लेन अगर बात की जाए तो लॉस सैंटोस में वो है कार्गो प्लेन, ठीक है। दूसरा उसमें लिखा था कि पुल द बिगेस्ट एरोप्लेन विद द स्मॉलेस्ट कार, तो सबसे छोटी कार तो वही है नैनो जैसी जो दिखती है। अब वो नैनो है कहाँ, ढूंढना पड़ेगा। ऐसे तो आम तौर पे लॉस सैंटोस में लोग लेके घूमते रहते हैं, आज जब उस गाड़ी की जरूरत है तो दिख नहीं रही है भाई। सीरियसली मैं यार, वो गाड़ी हमेशा, उसकी कोई इज्जत नहीं है लॉस सैंटोस के अंदर, वो हमेशा इधर उधर भटकती हुई दिख जाती है। लेकिन आज आज जब उसकी वो इज्जत मिलने की बारी है भाई, वो गाड़ी नहीं मिल रही है। और नैनो भाई कहाँ है? तो कोई लेके ही नहीं घूम रहा, बंदे देखो क्या क्या लेके घूम रहे हैं। ये देखो रेंज रोवर बंदे लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी नैनो नहीं लेके घूम रहा। कितनी गलत बात है ये, सीरियसली में बहुत बहुत गलत बात है भाई। नैनो लेके घूमना चाहिए तुम लोगों को। नहीं है भाई इधर, कहाँ ढूंढूँ अब मैं? अब यार वो ऐसी गाड़ी है, वो तो उसके शोरूम पे भी नहीं मिलेगी साइमन के, वरना वहीं से लेके आ जाता मैं। ढूंढते रहना पड़ेगा तब जाके मिलेगी भाई वो नैनो। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है भाई? हेलो हेलो भाई, क्या सीन है लॉस सैंटोस में? एक नैनो नहीं मिल रही भाई, कैसे दिन आ गए क्या? सीरियसली एक वो डब्बे वाली छोटी सी गाड़ी नहीं मिल रही है मुझे क्या? लॉस सैंटोस के लोग इतने अमीर हो रहे हैं, किसी को भी अब उस डब्बे वाली गाड़ी की जरूरत नहीं है। सारे रेंज रोवर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू लेकर घूम रहे हैं। क्या क्या हो क्या गया है लॉस सैंटोस को? यार सबसे छोटी गाड़ी की जरूरत है, मिली नहीं रही। अरे कहाँ जाऊँ मैं भाई? क्यों नहीं मिल रही वो गाड़ी, क्या सीन है? रुको, टेंशन नहीं भाई, आराम से ढूंढते, चिल करते हैं, मिल जाएगी गाड़ी। ज़्यादा अगर जल्दबाजी में जाऊँगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अबे ये भी तो है सबसे छोटी गाड़ी, ये उस नैनो छोटी है या बड़ी है? रुक जाओ मैं अपनी गाड़ी भी यहाँ पार्क कर देता हूँ। याद रखना गाइस, मेरी गाड़ी पुलिस स्टेशन के बगल वाले हाईवे पर है। अब ये वाली गाड़ी छीनते हैं। अब कंपैरिजन के लिए वो नैनो तो ढूंढनी पड़ेगी, अभी तो कंपेयर करूँगा कि आखिरकार ये छोटी है या वो छोटी है। आई गेस वो ज़्यादा छोटी है, ये तो उससे बड़ी ही है शायद। लेकिन ये नैनो मिले तब ना भाई, मिली नहीं रही है नैनो तो। ये देखो ऐसी एग्जैक्ट सेम एक और गाड़ी मिल गई। कहाँ है, कहाँ भाई? मैं कब से भटक रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही वो गाड़ी। आजकल लॉस सैंटोस के लोग सीरियसली में बहुत अमीर हो गए, ये तो तुम लोगों को मानना पड़ेगा भाई। एक काम करता हूँ, जो थोड़ा पुराना सा गरीबों वाला इलाका है उधर निकलते हैं, मे बी उधर मिल जाए वो छोटी वाली गाड़ी। लेट्स गो। तो ये देखो भाई, ये थोड़ा गरीबों वाला इलाका है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता, क्योंकि ये मेरा पिछला ही घर तो था, ये मेरा पुराना वाला घर यही तो है। तो इधर मैं जानता हूँ, इधर बंदे एक से एक गरीब बंदे मिलेंगे तुम्हें देखने को। तो इधर में भी होगी किसी के पास, या किसी के पास नहीं है। क्या हो गया ये लॉस सैंटोस को? इधर भी बंदे, ये देखो मस्टैंग लेके घूम रहे हैं, नहीं मिलेगी भाई। छोटी गाड़ी ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो गया लॉस सैंटोस में। अरे है क्या भाई, मस्टैंग इधर भी, जी वैगन तक देखने को मिल रही है मुझे। ओए वेट, मिल गई। जिस गाड़ी को मैं कब से ढूंढ रहा हूँ वो गाड़ी फाइनली मिल चुकी है। ये देखो भाई, ये है लॉस सैंटोस की सबसे छोटी गाड़ी, इससे छोटी कोई गाड़ी नहीं है पूरे लॉस सैंटोस में। ये देखो, तुम लोग खुद कंपैरिजन करो भाई सीधा, ये कितनी छोटी है इस गाड़ी के सामने भी। अब इस गाड़ी से हम लोग पुल करेंगे एक प्लेन, पता नहीं ये किसकी नैनो है, बट जिसकी भी हो मुझे मिल गई एंड मेरा फर्स्ट टास्क अब कंप्लीट हो जाएगा भाई। लेट्स गो, अभी चाहिए मुझे कार्गो प्लेन एयरपोर्ट पर मिल जाएगा। तो क्विकली निकलते हैं गाइस एयरपोर्ट की तरफ एंड देखते हैं कि ये गाड़ी बड़े से कार्गो प्लेन को पुल कर पाती है या फिर नहीं। लेट्स चेक इट आउट। तो ये है मेरे बगल में जस्ट राइट साइड में एयरपोर्ट। एंड टैक्सी वाले भाइयों, हट जाओ साइड में, हट जाओ भाई सबके सब साइड, प्लीज़। ओके नाइस, एंड यहाँ से इधर, थैंक यू, एंड यहाँ से सीधे, थैंक यू, एंड जंप नहीं लगानी थी। और अब वाह क्या फ्लिप थी ये। तो ये आ गए भाई एयरपोर्ट पे। अब कार्गो प्लेन चाहिए यहाँ से, देखते हैं कार्गो प्लेन कहाँ मिलता है हम लोगों को। वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था भाई, उस पेपर पे स्मॉलेस्ट कार लिखा था, ठीक है, तो और सबसे बड़ा प्लेन लिखा था, तो सबसे बड़ा प्लेन तो देखो वहाँ पर है वो कार्गो प्लेन।
अरे स्मॉलेस्ट कार लिखा था, तो कार तो ये भी कंसिडर की जा सकती है। तो ये कार क्या मेरी इस गाड़ी से छोटी है, क्या लगता है तुम लोगों को? छोटी नहीं, छोटी लग तो नहीं रही भाई लेंथ में। यस, बल्कि यही थोड़ी सी लंबी है। नहीं 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 नहीं, मेरी गाड़ी सबसे छोटी है भाई। चलो वापस से बैठते हैं इसी में एंड निकलते हैं। कम ऑन, ओके आराम से भाई। एंड वो रहा कार्गो प्लेन, अब उसको पुल करना पड़ेगा। उसको पुल कैसे करूँ मैं? रस्सी चाहिए हमें, बड़ी सी, बड़ी सी नहीं मोटी सी रस्सी चाहिए, तगड़ी सी, स्ट्रॉन्ग। कैसे? ये पहला ही टास्क थोड़ा मुश्किल एंड इम्पॉसिबल सा है भाई पेपर के अंदर। लेकिन अगर उस दरवाजे को ओपन करना है तो टास्क तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा एंड मैं कंप्लीट करूंगा। रस्सी का जुगाड़ करते हैं, एक काम करते हैं, फटाफट से लॉस सैंटोस में किसी शॉप पे चलते हैं एंड रस्सी परचेज करके लाते हैं भाई। रस्सी की ज़रूरत है, रस्सी की। या फिर एक सेकेंड, यहाँ जो गार्ड है उससे पूछता हूँ भाई कि एयरपोर्ट में कोई रस्सी वस्सी है क्या? रस्सी वस्सी रखते ही होंगे क्या पता ये लोग। हेलो गार्ड वाले भाई साहब, अरे गार्ड कहाँ गए यहाँ से? वो अलग ही पता नहीं कहाँ चला गया, बाथरूम वाथरूम गया होगा। छोड़ो यार, मैं परचेज करके ला रहा हूँ शॉप से, लेट्स गो। ओके, तो रस्सी परचेज करके ला चुका हूँ मैं एंड अभी मैं जा रहा हूँ लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट की तरफ। हेलो भाई साहब, हट जाओ सामने से। एक तो लॉस सैंटोस के बंदे इतने कमज़ोर है, हल्की सी टक्कर लगते ही उठते नहीं है दोबारा। अब जैसे ये वाला बंदा देख लो, हेलो सर, हल्की सी टक्कर लगी है, हल्की सी। एंड ये देखो, चलो ये तो उठ गया। ये देखो दोबारा हल्की सी टक्कर लग गई, अभी ये तो उठ रहा है भाई। ओ, ये तो लड़ने भी आ रहा है, ये तो स्ट्रांग बंदा निकला। ओके, वेलकम बैक टू द एयरपोर्ट। एंड पहुंच गए एयरपोर्ट। वो कार्गो प्लेन, ओके कार्गो प्लेन वहीं पर है, टेक ऑफ नहीं किया उसने, बहुत ही बढ़िया। अब रस्सी को बांधते हैं इस कार्गो प्लेन के अंदर एंड लेट्स सी गाइस, कैन वी डू दिस एक्सेप्शनल वर्क, लेट्स गो। रेडी हो तुम लोग? सीरियसली, मैं सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है ये, मतलब सबसे बड़ा प्लेन है ये। एक बार साइज़ देखो इस प्लेन का, बहुत ही बड़ा प्लेन है ये। कैसे दिखाऊं मैं तुम लोग साइज़? फ़िलहाल मेरे पास ड्रोन नहीं है, छोड़ो। तो रस्सी को अटैच कर दिया गया है भाई प्लेन से, और साथ ही साथ अटैच कर दिया गया है मेरी गाड़ी से भी। तो क्या तुम लोग इस हिस्ट्री को मेरे साथ क्रिएट करने के लिए रेडी हो? क्या तुम लोग रेडी हो? सो लेट्स डू दिस। चलो भाई करते हैं ये कमाल। धीरे, कम ऑन मेरी गाड़ी, कम ऑन, यू कैन डू दिस, कम ऑन। ओ यस यस, यो नाइस 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 नाइस। और यार वो पूरी जान लगानी पड़ रही है भाई गाड़ी की। ओके, ओ भाई पहिए घूम रहे हैं इसके यहीं पे। कम ऑन थोड़ी सी आगे बढ़, कम ऑन मेरी नैनो। अरे यार ये तो प्लेन ही आगे नहीं बढ़ रहा। ओके नाइस 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 नाइस, ओ पुल कर दिया भाई, लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा प्लेन पुल कर दिया है मैंने लॉस सैंटोस के सबसे छोटी गाड़ी से। ये एक्सेप्शनल चीज हो गई है भाई, ये चीज करके दिखा दी मैंने। शुरुआत में तो लगा था भाई नहीं हो पाएगा क्योंकि व्हील ही अटक गए थे। ये देखो लॉन्च में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब गाड़ी का लॉन्च हो रहा है तब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में आ जाती है, फिर देखो भाई प्लेन को पीछे आराम से खींच लेती है ये गाड़ी। तो फिलहाल इसी के साथ फर्स्ट टास्क कंप्लीटेड, लेट्स गो। मजा आ गया, फर्स्ट टास्क हो गया कंप्लीट। प्लेन पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हालत खराब हो गई प्लेन की, लेकिन प्लेन को छोड़ो, हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया भाई। इससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है, मजे ही आ गए। अब क्या करना है? अब सेकंड टास्क, हाँ पेपर मेरे पास ही है, जरा पेपर निकालते हैं एंड जरा सेकंड टास्क को रीड करते हैं गाइस। आखिरकार सेकंड टास्क क्या है? फटाफट से पेपर निकालते हैं एंड रीड करते हैं। प्लीज आसान सा कोई टास्क हो यार, इस टास्क में मेरी हालत खराब हो गई है। प्लीज कोई आसान सा टास्क, लेट्स गो, लेट्स रीड इट। एंड ये सेकंड टास्क है स्लैप कर्नल्स सन। व्हाट? अरे यार ये सेकंड टास्क मैंने कर दिया तो भाई वो कर्नल तो मेरे को तोप के आगे बांध के उड़ा देगा, या टैंक चलवा देगा चारों तरफ से, टैंक खड़े करके मेरे को बीच में रख के। सेकंड टास्क भाई बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेडली है, स्लैप कर्नल सन। तुम लोगों को अंदाजा भी है कर्नल के बेटे को थप्पड़ मारना है? क्या है ये सेकंड टास्क भाई, मैं अबॉर्ट कर रहा हूँ ये मिशन, मेरे को नहीं करना भाई। वो कर्नल जिंदा नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं जिंदा छोड़ेगा। सीरियसली उसको पता चल गया ना भाई उसके बेटे को किसी ने पीटा है। एक सेकंड, वो कब मेरे को नहीं छोड़ेगा? जब उसे पता चल जाएगा, अगर मैं उसे पता ही ना लगने दूँ। यस, उसके बेटे को कोपचे में ले जाके थप्पड़ मार के आ जाऊँ तो, और वो भी चेहरे पे मास्क वास्क लगा के, पता भी ना चले कि आखिर कौन आके थप्पड़ मार के गया। या ये प्लान बढ़िया है। यस, बढ़िया 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 प्लान है, बढ़िया मजा आएगा। चलो भाई करते हैं प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। आर यू रेडी एवरीवन? मज़ा आने वाला है, सेकंड टास्क में भी मज़ा आने वाला है। मैं तो यार मिशन को अबॉर्ट करने के बारे में सोच लिया था, टास्क को कंप्लीट करना बंद करने वाला था मैं, लेकिन
आइडिया मिल गया यार, चेहरा वेहरा छुपाते हैं, कुछ ऐसा हुलिया से बना दें कोई पहचान वहचान न पाए, जाके कर्नल के बेटे को कोपचे में ले जाके पीट देंगे। पीटना थोड़ा ना, एक थप्पड़ ही तो जड़ना है, उसके थप्पड़ जड़ देंगे, वो जाके अपने डैड को बताएगा, तब तक हम लोग वहाँ से फुर्र हो जाएंगे। सिंपल एंड ईजी, इट्स सो सिंपल। लेकिन मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकता भाई, मेरी गाड़ी फिलहाल मेरे को याद है पुलिस स्टेशन के बगल वाले हाईवे पर है, बाद में लेकर आएंगे अपनी गाड़ी, अभी तो फिलहाल किसी और की ही गाड़ी लेके चलते हैं। एक यहाँ पर जीप है, जीप लेके चलते हैं, चलो 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 जल्दी। नाइस, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, ये पानी है या फ्यूल है? फ्यूल सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्यूल के टैंकर खड़े हैं, तो मे बी वहाँ से ये लीक हुआ हो, तो यहाँ पर गोली चलाऊँगा तो आग लग जाएगी नहीं, एंड यहाँ पर चलाऊँगा तो कुछ नहीं हो रहा, फ्यूल लीक होने लग गया। अच्छा नहीं, ये पानी ही होगा फिर, देखो फ्यूल का कलर तो वो है, एंड वहाँ अगर गोली चला दी तो आग लग जाएगी, एंड वहाँ अगर आग लग गई तो टैंकर्स ब्लास्ट होने लग जाएंगे कंटिन्यूसली। अबे नहीं हुए ब्लास्ट, एक ही टैंकर ब्लास्ट हुआ क्या? रुक जाओ भाई साहब, सारे ब्लास्ट हो गए। चलो यार यहाँ से निकलते हैं फटाफट, पहले तो मेरे को रास्ते में हुलिया वुलिया चेंज करना होगा भाई, एंड देन उस कर्नल के बेटे को कोपचे में बुला लाऊंगा, कुछ लालच वालच दे के, एंड देन उसको एक थप्पड़ मार के आना है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस टास्क, बाकी थर्ड टास्क पता नहीं है कितना डेडली होने वाला है, अभी तो फिलहाल में ये मेरा दूसरा टास्क है। चलो मिलिट्री बेस की तरफ, तो अभी मैं हूँ मिलिट्री बेस वाले रास्ते पर, एंड यहाँ से बगल में एक शॉप है कपड़ों की, वहाँ चल के बदल लेते हैं भाई अपनी ड्रेस। हेलो एक्सक्यूज मी, एंड चलो भाई फटाफट क्विकली लाओ भाई कपड़े लाओ खतरनाक से बढ़िया वाले। तो कैसा लग रहा है भाई मेरा हुलिया है? ऐसा नहीं लग रहा जैसे अभी अभी स्कूबा डाइविंग करने जा रहा हूँ मैं? एग्जैक्टली यही मेरा प्लान है भाई, मैं बताऊँ कर्नल को क्या कहने वाला हूँ, सर मैं आपके बेटे को स्कूबा डाइविंग वाली कुछ खतरनाक सी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, तो कर्नल मना तो करेगा नहीं भाई, वो भेज देगा अपने बेटे को उसको ले जाके पानी की तरफ, क्योंकि पानी में ही तो स्कूबा डाइविंग कराऊंगा भाई, उसको ले जाके पानी की तरफ, उसके जोर से थप्पड़ जड़ दूंगा, एंड थप्पड़ जड़ के मैं भाग लूंगा वहाँ से, एंड देन वो कर्नल को जाके बताएगा, तब तक तो मैं भाग चुका हूँगा। हाँ ये मेरा प्लान है, चलो एग्जीक्यूट करते हैं एंड देखते हैं क्या हाल होता है। चलो भाई चलो चलो, नाइस भाई, उसके बेटे को थप्पड़ मारने के बाद बस मुझे भागना है, अगर थोड़ी सी भी देरी हुई इधर उधर अटक गया मैं, फिर तो मिलिट्री वाले कूट देंगे पकड़ के, फिर तो ये चेहरे पे मास्क, डिफरेंट तरीके के कपड़े, ये सब पहनने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बट आई नो कोई गड़बड़ नहीं होने वाली भाई, तुम लोग देखना बड़े तरीके से प्लान एग्जीक्यूट करूँगा मैं। तो आ चुके हैं, राइट लेना है आगे से, एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रिफ्ट तो नहीं थी ये, बट हाँ राइट ले लिया मैंने, एंड यहाँ से अब कर्नल से शांति से बात करने की, सर मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड स्कूबा डाइवर हूँ जो आपके बेटे को स्कूबा डाइविंग सिखाना चाह रहा है, सिंपल सी बात है, लेट्स गो। ओके गाड़ी 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 को अभी इधर ही लगाते हैं फिलहाल, एंड चलो भाई कर्नल से बात करते हैं। ओ वो रहा, यस उसका बेटा भी यही है, बहुत ही बढ़िया। हेलो एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम है फ्रैंक, एंड मैं एक्चुअली मैं ह्यूमन लैब वालों की तरफ से आया हूँ, स्कूबा डाइवर हूँ मैं एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड स्कूबा डाइवर हूँ, लगभग 30-40 साल का एक्सपीरियंस है मुझे स्कूबा डाइविंग के अंदर, एंड मुझे यहाँ पर भेजा गया है आपके बेटे को थोड़ी स्कूबा डाइविंग वगैरह सिखाने के लिए, तो सर क्या आपका बेटा इंटरेस्टेड है? नहीं है? अरे मेरे को भेजा गया है, इंटरेस्टेड नहीं है तो इंटरेस्ट दिलवाओ उसका, स्कूबा डाइविंग बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही एक अच्छी चीज़ है सर, सिखाने को बोलो ना सर, ज़रूरी इम्पोर्टेंट, बेटा चल तू सीख आ जा। अरे यार ये तो मान ही नहीं रख करना, ये तो किए किराए पे पानी फेर रहा है। सर कल परसों ही एक बंदा अभी स्कूबा डाइविंग नहीं सीखी थी उसने, एंड वो ऐसे जस्ट पानी के अंदर गया, सोचा कि मछलियों से मुलाकात करूँगा, मछलियाँ खा गई सर उसे, अब बताओ स्कूबा डाइविंग ज़रूरी है कि नहीं? अब डराया तो मान गया भाई, चलो चलो तो स्कूबा डाइविंग हम लोग करवाएंगे पहले थोड़े से पानी के अंदर, तो आ जाओ पुत्र इधर आ जाओ, गाड़ी के अंदर बैठो पहले तुम, कर्नल के लोंडे इधर आ जल्दी आ, गाड़ी के अंदर बैठ भाई, अरे जल्दी बैठ, अबे ओ सॉरी ओ नो क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी भाई सॉरी। ओके कोई बात नहीं, उसे गुस्सा नहीं आया, चलो 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 चलो, नाइस नाइस नाइस। तेर को सिखाएंगे भाई यहीं पर, थोड़ा सा पानी वानी होगा यहीं पर सिखाएंगे, ठीक है तैयार हो जाओ गाइस, क्योंकि अभी इसके थप्पड़ पड़ने वाला है बहुत ही ज़ोरदार, तैयार रहो भागने के लिए, मैं तो तैयार हूँ पहले ही, ओपन कर दो भाई बैरिकेड, मत ओपन करो मैं तोड़ के आगे आ जाऊँगा। तो कर्नल के बेटे भाई साहब हम लोग इधर स्कूबा डाइविंग सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे? यहाँ पे,
इस वाले पानी के अंदर। ठीक है बेटा, तैयार? तो आ जाओ। स्कूबा डाइविंग करने के लिए सबसे पहला रूल है, कुछ भी नहीं है सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल है पानी ढूंढो। तो पानी हम लोगों ने ढूंढ लिया है। अब दूसरा रूल सुनो, दूसरा रूल भी कुछ नहीं है, पहले इधर आओ शांति से। चलो गाइस तैयार रहो भाई, इधर आओ बेटा तुम, भाई इधर आना। फिलहाल कर्नल का बेटा आ चुका है। तो देखो बेटा, सबसे पहला जो रूल है स्कूबा डाइविंग के अंदर कि कभी भी थप्पड़ नहीं मारना है। बहुत ही बढ़िया, भागो जल्दी जल्दी, भागो जल्दी 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 जल्दी, क्विकली 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 क्विकली। अबे अबे तीन स्टार की पुलिस कैसे लग गई? उसका बेटा तो अभी तक अपने बाप तक भी नहीं पहुंचा है। अबे उसने कुछ फोन वोन कर दिया क्या पानी के अंदर गिर गई? पता नहीं गैस क्या है, लेकिन यहाँ पर मिलिट्री वाले अभी मेरे पीछे पड़ गए, ये क्यों? ओहो हो, उसके पास कुछ तो होगा भाई, इमरजेंसी सिचुएशन वाला बटन या समथिंग, जिसकी वजह से भाई ये पड़ गए पुलिस वाले पीछे पड़ गए एंड मिलिट्री वाले भी। भागो, कोई बात नहीं, मेरा टास्क तो हो गया, थप्पड़ मारना था, मार दिया भाई थप्पड़ उसके जोरदार, वो भी मुंह पे। नाइस, अब मिलिट्री कर्नल को पता भी नहीं चलेगा कि मैं था कौन। भागो, भागते रहो भागते रहो। अब बारी है गाइस थर्ड टास्क की। फिलहाल पहले इन पुलिस वालों से और मिलिट्री वालों से मैं पीछा छुड़ा लूँ, उसके बाद किसी कोने में जाके थर्ड टास्क रीड करेंगे, आखिरकार थर्ड टास्क है क्या। पहले तो इनसे पीछे छुड़ाऊँ मैं। चलो 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 चलो, कम ऑन, कहाँ भाग के जाऊँ? एक तो ये नहीं समझ में आ रहा। ओ नो, मैं पानी के अंदर आ गया एंड मेरी गाड़ी ऊपर ही रह गई। मैंने स्कूबा डाइविंग वाले कपड़े पहन ही रखे हैं, तो डायरेक्टली चलते हैं फिर। यही सही है यार, पानी के अंदर ही छुपे रहते हैं, स्कूबा डाइविंग वाले कपड़े है ही मस्त। यस, जल्दी जल्दी पानी की गहराइयों में चले जाते हैं। नाइस नाइस नाइस, ज़्यादा मेहनत क्यों करनी है जब कपड़े पहन ही रखे हैं स्कूबा डाइवर वाले। सिंपली पानी के अंदर आराम से चिल करते हैं जब तक ये पुलिस वाले पीछा नहीं छोड़ देते, एंड देन हम लोग बाहर निकलेंगे। यस, ये मेरा आइडिया है। और अब आइए, तो बाहर से भी गोले चला रहे हैं और गहराई में जाना पड़ेगा। चलो भाई इधर छुप जाओ, इधर पानी के अंदर, ये बढ़िया जगह है। तो यहाँ पर काफ़ी देर से छुपे रहने के बाद फाइनली पुलिस वालों ने मेरा पीछा छोड़ दिया है। पानी के अंदर मैं तैर रहा हूँ। आई होप जो मेरी जेब में पेपर था वो गल वल ना गया हो भाई। ओके ओके, यहाँ से अबे किधर जाऊँ मैं? अरे कैसे निकलूँ? ले भाई पौधों के अंदर ही अटक गया। ओके कम ऑन, यहाँ से। यस, अरे चल, अरे नहीं भाई। ओके निकल गया, बहुत ही बढ़िया। अब जल्दी से पानी से बाहर निकलते हैं आराम से। ओके चलो भाई, तो अभी थर्ड टास्क हमें रीड करना है, एंड जो भी टास्क होगा फटाफट से उस थर्ड टास्क को भी कंप्लीट करना है, एंड देन देखते हैं भाई आखिरकार उस दरवाजे को ओपन करने के बाद उसके अंदर क्या निकलता है। चलो जल्दी। ओके ये आ गए भाई पानी से बाहर, जल्दी से पेपर को निकालते हैं एंड रीड करते हैं। तो पेपर के अंदर तुम लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पर थर्ड टास्क लिखा हुआ है, रिपेयर अ जंक कार एंड अपग्रेड इट। ओके, तो हमें एक जंक कार को रिपेयर करना है एंड अपग्रेड करना है, ये है थर्ड टास्क। ओके हो जाएगा, सबसे पहले तो एक जंक कार ढूंढनी पड़ेगी भाई। ढूंढो चल के, एक जंक कार ढूंढो। सबसे पहले तो पहाड़ी पे चलो, एंड सबसे पहले तो अपनी गाड़ी लेकर आऊँ मैं। नहीं, उस गाड़ी को नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि अगर उस गाड़ी को मैं चलाऊँगा जो मेरी छोड़ के आया हूँ मैं पुलिस स्टेशन के पास, अगर उस गाड़ी को चलाऊँगा तो फिर जंक कार कहाँ से लाऊँगा। इसीलिए पहले जंक कार ढूंढते हैं, थर्ड टास्क कंप्लीट करते हैं, एंड देन अपनी जो गाड़ी मैं पुलिस स्टेशन के बगल वाले हाईवे पे छोड़ के आया हूँ उसको लेने जाऊँगा। पहले तो यहाँ पहाड़ से बाहर निकलो भाई, इधर ही फिसल रहा हूँ मैं कब से। आ गया पानी से बाहर, पहले तो नॉर्मल कपड़ों में आऊँ मैं। यस नाउ इट्स बेटर। अभी किसी की गाड़ी छीनूँ मैं? ओ वो तो नहीं मेरी गाड़ी, वही ले लेते हैं। तमीज में चला ले बेटा, यहीं उड़ा दूंगा मैं यहीं पे, समझ में आ रही है बात? ओके मेरी जीप, एंड यहाँ से अभी जंक कार तो जंक यार्ड में मिलेगी यार। फिर ज़्यादा जंक कार लाऊंगा तो उसको रिपेयर करवाने में बहुत टाइम लगेगा। मैं लाता हूँ मीडियम लेवल की जंक कार, जिसपे बाहर बाहर पेंट में जंक वंक लगाओ, जंग लगी हो, बेकार सी दिख रही हो, एंड देन उसे अपग्रेड एंड रिपेयर कराऊंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, मीडियम जंक कार तो मुझे लगता है साइमन की दुकान पर मिल जाएगी। चलो भाई साइमन के शोरूम निकलते हैं, उससे पूछते हैं कोई सस्ती सी गाड़ी है क्या भाई जंक कार टाइप, वहाँ मिल जाएगी आराम से। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, लेट्स गो साइमन भाई। ओहो क्या मस्त गाड़ी है इसके पास आज। साइमन भाई एक जंक कार चाहिए थी, एक बहुत ही पुरानी सड़ेली सी घटिया सी बकवास सी जंक कार, जो कि तू मेरे को सस्ते प्राइस में दे सके, जिसको बहुत रिपेयरिंग करवानी हो, जिसको बहुत अपग्रेड करवाना हो, ऐसी जंक कार फालतू की दे फटाफट, पैसे दे रहा हूँ मैं तुझे। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद लेस्टर ने मुझे ये जंक कार दी है, एंड अगर बात की जाए इस गाड़ी के बारे में तो यस लग तो रही है भाई डेफिनेटली जंक कार। ना ही इसमें शीशे हैं, ना ही ग्लासेस है, ना ही ढंग की हेडलाइट है, टेल लाइट्स भी कोई ख़ास नहीं है, एंड पूरी गाड़ी में जंग लगी पड़ी है। बट इस गाड़ी की सबसे खास बात जो है
वो है इसका इंजन। वो सीरियसली में गोली की रफ्तार से भगाता है इस गाड़ी को। आई नो तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे गोली की रफ्तार से ये गाड़ी भागती है। यू वांट टू सी, लेट्स सी। देखना भाई, 100, 200, 300 एंड यहाँ पर 350 की रफ्तार पे। बताओ ये छोटी सी जंग लगी हुई गाड़ी दौड़ रही है, कोई बात होती है? मतलब ये कोई बात होती है कि सीरियसली में ये इतनी बेहतरीन गाड़ी है ये? खैर अब इसको मुझे फुल एकदम रिपेयर करवाना है, क्योंकि देखो थर्ड टास्क यही था, रिपेयर अ जंक कार, ऐसे ही कुछ तो था। तो इसको पहले लॉस सैंटोस कस्टम्स ले जाना पड़ेगा, वहाँ रिपेयर करवाते हैं इसे। चलो फटाफट अपनी इस जंक कार को रिपेयर करवाने के लिए भी भाई मैं देखो कहाँ पर आया हूँ। ये रोड समझ में आ रहा है भाई? पुलिस स्टेशन के बगल वाला हाईवे। हाईवे पर क्या मेरी ओरिजिनल गाड़ी, वो आ गई, कहीं खड़ी होगी। वो रही, देखो मैं छोड़ के गया था यहीं की यहीं, किसी ने चुराया भी नहीं है इस गाड़ी को। ये गाड़ी यहाँ पर है एंड मैं जंक कार को रिपेयर कहाँ करवाऊँगा? यहाँ पे। वाह यार, यहीं पे थर्ड टास्क कंप्लीट होगा एंड अपनी गाड़ी लेके मैं घर निकल लूँगा। चलो रिपेयर करवाते हैं, देखते हैं कैसी इसे बढ़िया बना पाते हैं कि नहीं। अभी तो फिलहाल लिटरली में बहुत बेकार दिख रही है ये, ऊपर नीचे हर तरफ से जंग ही जंग। बॉडी वर्क में हम लोग ऊपर छत में लाइट्स लगवा सकते हैं, लगा दो भाई, पैसा बहुत है इसके अंदर। और कुछ करवा सकते हैं क्या? ब्रेक्स इंक्रीज करवा दो भाई, बढ़िया क्वालिटी के ब्रेक लगाओ। फ्रंट बम्पर कुछ बढ़िया हो सकता है क्या? ये बढ़िया लग रहा है, लगा भाई ऑफ रोड का बम्पर। इंजन अपग्रेड मारो भाई। चलो एग्जॉस्ट लगाते हैं बढ़िया से, पीछे वाले एग्जॉस्ट, ठीक है ठीक है। फेंडर्स, अरे सब कुछ जंग लगा हुआ क्यों है? एक सेकेंड, ये हो ना बात भाई, सारी जंग हट गई। नंबर प्लेट बढ़िया ब्लू कलर की लगाओ, पेंट करवाओ इसे बेहतरीन सा कलर, कोई मटैलिक कलर, इसमें हम लोग इसे पेंट करवाएंगे गाइस। नहीं मटैलिक नहीं, इसे मेटल, हाँ गोल्ड नहीं नहीं क्लासिक, हाँ ये ठीक है क्लासिक। इसमें हम लोग इसे करवाएंगे एकदम बढ़िया सा ब्यूटीफुल येलो। येलो कहाँ है? ये रहा, ये वाला येलो, ठीक है भाई। सेकेंडरी कलर इसमें क्रोम रहने दो। चलो और क्या करवा सकता हूँ मैं इस गाड़ी में? इस गाड़ी में स्कर्ट्स लगवा सकते हैं, लगाओ स्कर्ट्स। स्पॉइलर लगा सकते हैं, लगाओ बेहतरीन से स्पॉइलर। और बताओ सस्पेंशन अपग्रेड मारो इसका, ट्रांसमिशन अपग्रेड करो बहुत ही बढ़िया। टर्बो लगाओ भाई, टर्बो लगाओ, व्हील्स बढ़िया वाले लगाओ इसमें। टायर वायर लगाओ भाई, डिज़ाइन टायर का, अबे टायर का डिज़ाइन नहीं है इसके अंदर, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हो गया भाई चेंज ये गाड़ी। ग्रिल व्रिल बदलो इसकी पूरी, ये ठीक है। एंड हुड, ठीक है हुड ये वाला। चलो भाई आई गेस गाड़ी फुल अपग्रेड कर दिया भाई मैंने। एक बार ज़रा ये लुक देखो, क्या ब्यूटीफुल लग रही है, एकदम ही कहर। तो आई गेस इस हिसाब से मेरा थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को मैं कहाँ ही लेके जाऊँ, इस गाड़ी को यहीं रख देते हैं, मुझे फ़िलहाल इस गाड़ी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड जो मेरी ओरिजिनल वाली कार थी इसे लेके अब घर निकलते हैं एंड देखते हैं कि आखिरकार उस दरवाजे के पीछे क्या है, जिस दरवाजे को मैं इतनी देर से ओपन करने की मेहनत कर रहा हूँ भाई, आखिर क्या मिला है उस दरवाजे के अंदर मुझे। सो क्विकली निकलते हैं भाई घर की तरफ। ये वाली भी गाड़ी मेरी बहुत सॉलिड है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ है इस गाड़ी की ड्रिफ्ट, देखना भाई यहाँ पे, ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रिफ्ट लगती है इस गाड़ी से। चलो कम ऑन, यहाँ से एक और ड्रिफ्ट लगाते हैं। नहीं लगी ड्रिफ्ट, रुको अगले वाले कट पे मेरी ड्रिफ्ट देखना तुम लोग। अरे क्या ड्रिफ्ट दिखाऊं मैं, इतना ट्रैफिक है एक तो लॉस सैंटोस की सड़कों पे। कम ऑन यहाँ मेरी ड्रिफ्ट देखो भाई, नहीं लगी ड्रिफ्ट, बिल्कुल नहीं लगी। क्या ड्रिफ्ट दिखाऊं मैं सड़कों पे, इतना ट्रैफिक जो है। अरे हटा लो भाई अपनी गाड़ियाँ साइड में, छोड़ो भाई ड्रिफ्ट कैंसिल, अभी घर निकलते हैं। जल्दी से देखना आखिरकार उस दरवाजे के अंदर कुछ मिलता भी है कि नहीं, जिसको ओपन करने के लिए मैंने कर्नल के बेटे को थप्पड़ मार दिया, जिसको ओपन करने के लिए छोटी सी गाड़ी से भाई पूरा प्लेन खींच दिया, जिसको ओपन करने के लिए मैंने एक टूटी फूटी गाड़ी को पूरा एकदम मस्त रिपेयर कर दिया येलो कलर में। तो देखना तो बनता है इतनी आखिर मेहनत की उस दरवाजे के पीछे है क्या। क्या लगता है तुमको, गोल्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा? लेट्स सी, बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं, आ गए। बस 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 गाड़ी के ब्रेक्स लगाओ भाई एंड हियर वी गो। चलो नाइस, चलो अंदर। बताओ भाई क्या मिला उस दरवाजे के अंदर, फटाफट से उसे ओपन करते हैं। वैसे गाइस अभी तक तुम लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार। यस अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम एंड एक्स पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये है दरवाजा, आर यू रेडी टू एंटर? लेट्स गो। ओके वेट, ओके आ चुके हैं। हो भाई ये क्या है भाई, ये तो फुल एकदम लॉकर रूम लग रहा है यार, हैं अलग ही सीन है भाई। मेरे घर के नीचे क्या क्या है, मेरे को तो रोज कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करने को मिलता है। खैर यहाँ पर पता नहीं
कौन है, किसने बनाया है, ये क्यों फाइल्स रखी हैं, क्या पासवर्ड होगा यहाँ पर, पासवर्ड लगेगा जिससे ये गेट ओपन होगा, क्या पासवर्ड डालो, क्या फ्रैंकलिन डालो, क्या मेरा घर है तो मेरे नाम पे ही किसी ने पासवर्ड रखा होगा, लेकिन इसमें ए बी सी डी तो है ही नहीं कुछ, इसमें तो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 में क्या डालूँ मैं, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर दबा दूँ, क्या लिखूँ यार, अबे नंबर क्या दबाने, रुको यार इसकी ऐसी जैसी तोड़ो तोड़ो इसे, अभी खुल जाएगा, तोड़ते रहो, यस ओपन हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, पूरा जड़ से उखाड़ दो भाई इसकी ऐसी की तैसी, हो जाओ ओपन, हो बेटा चल खुल खुल जा बेटा, शांति से खुल जा, तमीज में चल चल बेटा खुल जा, पूरा पूरा ओपन हो, चल ना ओपन हो जा, हट ना साइड में दरवाजा भाई, हेलो एवरीवन, दरवाजे को कर दिया बिल्कुल इस साइड में, एंड ये तो पूरा एक लॉकर रूम निकला, सीसीटीवी में कौन देख रहा है बे, उड़ाओ इसके सीसीटीवी, तेरी ऐसी की तैसी उड़ा उड़ाओ, लेकिन रिकॉर्डिंग तो हो गई होगी, लेकिन जहाँ भी रिकॉर्डिंग हुई हो मेरे घर में किसकी हिम्मत हुई ये बेस बनाने, बेस कहाँ है, ये तो भाई सीक्रेट लॉकर रूम है, हैं लॉकर रूम, ये कैसे ओपन होगा, पासवर्ड नहीं डालते हम लोग, सीधे गोली चलाते हैं, बहुत ही बढ़िया, एंड यहाँ पर क्या है भाई, लॉकर रूम बना रखा, बताओ पैसे हैं क्या सबके अंदर, पता नहीं अब तो ये ओपन करके चेक करना पड़ेगा भाई, यस गाइस इन लॉकर्स के अंदर भाई पैसे हैं, एक लॉकर खोला और डायरेक्ट इतने सारे पैसे निकल आए भाई, इसका मतलब इन सभी लॉकर्स के अंदर पैसे हैं भाई, ये तो पैसे करोड़ों में होंगे, फिर इधर भी लॉकर्स हैं, इनके अंदर कुछ है नहीं, इनके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है बट ये भरे हुए हैं, मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन ये कौन है जिसने मेरे घर के अंदर ये लॉकर रूम बना दिया, हेलो हु द हेल, कौन है ये, जो भी हो पैसे मेरे हैं, घर मेरा है, सब कुछ मेरा है भाई, पैसे भी मेरे हो गए, अब चलो बात खत्म, जौन सा लेने आएगा पैसे उसकी खोपड़ी उड़ाऊंगा मैं, तो तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, कैसा लगा तुम लोगों को ये लॉकर रूम कमेंट में बताना भाई, मज़ा आ गया, फ्री का लॉकर रूम मिल गया, अब क्या चाहिए, और पैसे भी तो मिल गए इतने सारे, पता नहीं कितने होंगे, करोड़ों में होंगे इतना तो पता है, बाकी जो भी हो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम एंड एक्स पर फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।